अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। एनालिसिस ऑफ फर्स्ट टू ग्रुप्स अगर हम करें तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि ये जो दो ग्रुप हैं ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हैं। जैसे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग हर बंदा नहीं कर सकता, एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या फिर एक सिंपल ग्रेजुएट अकाउंटेंसी एंड ऑडिट को नहीं डील कर सकता। सिमिलरली इकनॉमिक्स भी है, फिर कंप्यूटर साइंसेज भी, अगर आप मास्टर्स की डिग्री रखते हैं कंप्यूटर साइंसेज में तब आप कर सकते हैं। फिजिक्स में भी ऐसे ही है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही है। फर्दर हमारे पास जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स हैं, उनका भी यही सिनेरियो है। अब अगर देखें, एक बंदा एमफिल केमिस्ट्री है, क्या उसको अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंसेज उठानी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, ये एक ब्लंडर होगा। फिर हमारे पास रियल सिनेरियो में बचता है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बेसिकली दो वो सब्जेक्ट हैं जो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, लेकिन वाहद ये दो सब्जेक्ट हैं जो टोटली थ्योरेटिकल बेस हैं। प्लस इनमें करंट अफेयर्स का बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्शंस आ जाते हैं। तो फिर आपके पास रियल सिनेरियो में यही दो सब्जेक्ट बचते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड से हैं तो आपको मैथमेटिक्स लाजमी उठाना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेज में से हैं तब आप उसके लिए जाएं, इकोनॉमिक्स में हैं तब आप उसके लिए जाएं। ये तो आपकी आखिरी मजबूरी होती है कि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं या डॉक्टर हैं या फिर लॉयर हैं जिनका इनमें से किसी एक में भी स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है, तब फिर मजबूरी बन जाती है कि पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस ही उठाएं। सब्जेक्ट की बात करते हैं, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग कौन सा है? ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो नॉन स्कोरिंग है और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो स्कोरिंग है। ये एक मिथ है। अगर आपको किसी टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई है, सब्जेक्ट की अच्छे से समझ आ गई है, आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं तो वो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, अगर आप उसकी समझ नहीं आ रही और आप एग्ज़ाम देने चले गए हैं तो या तो आप उसमें फ़ेल होंगे या फिर आपके उसमें नंबर कम आएंगे। इसमें कसूर सब्जेक्ट का नहीं, कसूर हमारा खुद का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आर्ट्स का एक स्टूडेंट हो, उसके लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी को हल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको साइंस से वैसे ही एक इरिटेशन होती है। एक और एग्जांपल आपको मैं दूंगा, 2016 तक जब हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, अरेबिक को और पर्शियन को स्कोरिंग कंसिडर किया जाता था, जबकि हमारा उनसे लेना देना ही कोई नहीं है। स्कोरिंग वो इसलिए थे क्योंकि वो 200 नंबर के पेपर थे। अब कोई बॉदर भी नहीं करता, कभी सुनने में ही नहीं आया कि किसी ने पर्शियन या अरेबिक ऑप्ट की हो। क्यों? वजह इतनी है कि वो 100 नंबर के हो गए हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं पेपर्स। नेक्स्ट हमारी बात है लिंक सब्जेक्ट की। बाज लोग इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ लिंक करके उठाते हैं, ये बिल्कुल अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टर्स या एमएस या एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन में किया हुआ है, आम बंदे के लिए नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो आप 200 नंबर पे तो पहले ही रिस्क ले रहे हैं, मजीद उसके साथ 100 नंबर का एडिशनल क्यों रिस्क लेते हैं? पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसके साथ फेवरेट बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, अगर जिसने एमए या एमएससी पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है तो उसने वो पढ़े हुए हैं। लेकिन जब हम एमए पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मास्टर्स नहीं है, हमारी एजुकेशन कुछ और है, तो हम क्यों 200 नंबर के साथ 100 नंबर का एडिशनल रिस्क ले लेते हैं? इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। एमकॉम, एमबीए, एसीसीए, सीए, इन लोगों को भी इसी तरह एडवांटेज है। अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ, ये 400 नंबर उनके बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर मैंने लोगों को देखा कि वो ब्लंडर कर जाते हैं, अकाउंटेंसी को छोड़ के इंटरनेशनल रिलेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट, लाइकवाइज मर्केंटाइल लॉ को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट। जब आपके अपने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आपने इतना टाइम लगाया है, तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है कि आप इनमें अच्छा स्कोर कर सको। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ओवरव्यू है हमारे पास, और इसमें हमें पता लगता है कि इसके 4 to 5 मेजर फील्ड्स हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, पब्लिक पॉलिसी का, और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पीछे हमारे 4 मेजर एरियाज रह जाते हैं जो हमारे 2 पेपर बनाते हैं। थ्योरीज पे बात करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, फिर हमारे पास मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट हैं, स्टेट सिस्टम है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है वेस्टर्न एंड इस्लामिक, इनका कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गई हमारे पास। फर्दर हमारे पास पार्ट 6 के अंदर इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, फिर फर्दर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आ गई, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, फिर लास्ट में हमारे पास इसमें है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये हमारा पेपर 1 का टोटल सिलेबस है।
पेपर टू की बात कर लेते हैं। इसमें 30 नंबर्स का आपका ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन है और आपके कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी है, जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ का जिक्र है, यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी का। फर्दर हमारे पास है कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टर्की का, ईरान, मलेशिया, इंडिया और चाइना का, पॉलिटिकल मूवमेंट इंडिया के अंदर जो थी और उनके जो अहम शख्सियात थे, अलामा इकबाल हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए। फर्दर हमारे पास पोर्शन 5 में है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस और वो सारा कुछ पॉलिटिकल कल्चर जो अब तक हमारा चल रहा है, सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फेडरलिज्म, हर चीज़। और लास्ट में हमारे पास एक पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर और फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें, डिप्लोमेसी, पब्लिक ओपिनियन, आइडियोलॉजी, नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक प्रिसाइज फॉर्म में इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन भी इसके अंदर मौजूद होता है।